हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मोगरा का प्लांट है और अभी इसमें एक ही फ्लावर खिला हुआ है, तो क्या मैं इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करूं जिसकी वजह से हमारे मोगरा के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां हमें प्राप्त हो रही है। गंधराज का प्लांट है फ्रेंड्स, तो वो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार फ्लावर होता है मोगरा का, तो जिसकी वजह से हमारे वातावरण को एक बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशबू फैल जाती है हमारे वातावरण में। तो ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती को उबालने के बाद में कुछ इस तरह से हो जाती है। उसको आप एक पहले अच्छे से धो लें, धोने के बाद में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पहले ही मैंने इसे अच्छे से धो लिया था फ्रेंड्स, और 1-2 घंटे रखने के बाद में मैं इसे अच्छे से अपने प्लांट में डाल दूंगी फ्रेंड्स। तो करीब 1 घंटे के बाद में अब मैं इसमें वो फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब मैंने वो फर्टिलाइज़र जो बनाया था वो अब इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप इसका खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पत्ती को सुखाकर जो खाद बनती है वो भी आप अपने प्लांट में मिट्टी में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है वो भी हमारे फ्लावर वाले प्लांट्स के लिए, ज़्यादा फूल आने के लिए। तो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया था फ्रेंड्स। अब मैं इसमें मिट्टी पर से ऐड करने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक लेयर में मिट्टी की डाल दूंगी, ताकि आसपास चींटियाँ जो हैं वो ना आए और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे ही रहे, जड़ों तक पहुँच जाए। उसके लिए मैंने ऊपर से पानी भी ऐड कर दिया है। सेकंड फर्टिलाइज़र मैं भी यहाँ पर यूज़ करूँगी, वो भी आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे फ्लावर्स के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने ले रखी है खली, जो हम अपने पशुओं को देने के लिए यूज़ करते हैं। आसानी से आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी और गुणकारी मानी जाती है हमारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स के लिए, ज़्यादा फूल लाने के लिए, ज़्यादा फल लाने के लिए। तो मैंने इसे करीब 24 घंटे रख दिया था फ्रेंड्स। करीब 1 दिन के बाद मैंने इसमें ये डाला है। 1 दिन तक इसे रख देना है अच्छे से भिगाकर, और अब मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ऊपर से मैं पूरा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि ये जड़ों तक पहुँच जाए हमारा जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाला है, ताकि जड़ों तक जब ये पहुंचेगा तभी तो हमारे प्लांट्स में अच्छे फूल आएंगे, अच्छे कलियां आएंगी। आप अपने फ्लावर्स वाले और फ्रूट्स वाले प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई हानि नहीं होती है, ना ही कीड़े लगते हैं। अगर कीड़े लगने वाली समस्या है आपको, तो आप नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके आसपास से चींटियाँ आ जाएंगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, तो आप नीम खली का मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं नीम का स्प्रे घोल किया हुआ, वो मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप कैसे वो तैयार करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार वो भी ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको नुस्खा ज़रूर आपको यूज़फुल होगा। तो ये 15 दिन के बाद की अपडेट है। 15 दिन के बाद में हमारे छोटे से प्लांट में, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा प्लांट था, और अब इसमें इतनी सारी कलियां और इतने सारे अच्छे फ्लावर खिल चुके हैं। जब मैंने आपको ये दिखाया था तब केवल एक ही इसमें फ्लावर खिला हुआ था नर्सरी से, जब मैं इसे लेकर आई थी फ्रेंड्स, और अब इसमें इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और इतनी सारी कलियां भी आ चुकी है फ्रेंड्स। तो जगह जगह इसमें फ्लावर खिल गए हैं फ्रेंड्स। इतने अच्छे हमें वर्क करना है, केवल अपने वातावरण को सुगंधित बनाने में बहुत ही अहम भूमिका होती है इन फ्लावरों की। यदि आप चाहते हैं अपने गार्डन में ढेर सारे फूल खिलें, तो आप इन फर्टिलाइज़रों को ज़रूर यूज़ करें। आपके प्लांट्स भी स्वस्थ रहेंगे और आपके ज़्यादा फूल खिलेंगे और आपकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी फ्रेंड्स, यदि आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं। दोनों ही फर्टिलाइज़र आप अपने किसी भी फ्लावर वाले प्लांट में यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहले इसमें केवल एक ही फूल खिला हुआ था और अब इसमें कई कलियाँ और फूल खिल चुके हैं। एक छोटे से हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर